दीदी हमने 400 से 450 वीडियोस की पेड कोर्स ले ली है। एक एक चैप्टर 15-20 घंटे का है, तो हम कब उसको कंप्लीट करें? हमारा चैप्टर कब कंप्लीट होगा? हमें वीडियोस देखते देखते ही टाइम चला जाता है। हम खुद से प्रैक्टिस करें, हम उसको रिवाइज कब करें? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे यूट्यूब कमेंट्स पर भरे पड़े रहते हैं, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या लगती है मुझे। मैंने तो कभी पेड कोर्स से नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि भाई 400 वीडियोस कोई कैसे बच्चा कंप्लीट करेगा? अगर 8 महीने का टाइम है आपके पास, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कैसे सिलेक्शन होगा? आप चाहे जितनी भी वीडियोस देखते रह जाओ, आपने जब तक खुद से पेन उठा करके प्रैक्टिस बार बार नहीं करा है, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार नहीं करा है, मॉक नहीं लगाया है ठीक से, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम वीडियोज ही देखते रह जाते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल मैं मेट्रो में जा रही थी तो मैंने एक लड़की को देखा, वो SSC की प्रिपरेशन करता था, वो इतनी मोटी बुक क्वालिटी की पकड़ के पढ़ रहा था। अब आप सोचो कि उस लड़के के अंदर इतनी डेडिकेशन है कि वो मेट्रो में जाते हुए भी पढ़ रहा है, लेकिन कितना भटका हुआ है, उसके पास राइट गाइडेंस की कितनी ज्यादा जरूरत है, मतलब क्वालिटी की इतनी मोटी बुक पढ़ रहा है उठा करके बताओ। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत ही करते रह जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करें। हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितनी चीजें हैं, जो भी चीजें अवेलेबल है, हम बेस्ट कैसे यूज करें, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी खुफिया बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो सारे ही टॉपर्स की सीक्रेट है, वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे स्मार्टली वर्क करते हैं, थोड़े टाइम में पढ़ करके एग्जाम में मॉक में इतना अच्छा नंबर कैसे ले आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहली बात, तो अगर आपने अभी तक पेड कोर्स अपने लिए नहीं लिया है, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर गाइडेंस दिया है कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अपना टीचर, अपना मेंटर, अपने बुक्स, अपने मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ये सब फिक्स कर लो, और प्रिपरेशन के बीच में इसको चेंज करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। आपको करना क्या है, आप इसको कैसे चूज करोगे स्टार्टिंग में, तो अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता SSC के बारे में, आप एक काम करो, 2021, 2022 एंड 2023 के प्री और 2021, 2022 के मेंस, इन सारे पेपर्स को एक बार कलेक्ट करो, इनको बस गो थ्रू कर लो, ठीक है, आप सारे सब्जेक्ट्स के गो थ्रू कर लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, रिलेवेंसी क्या है। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज कम्प्लीटली बैठ जाएगी कि आप अगर कभी इररिलेवेंट क्वेश्चन देखो, या आप किसी ऐसे वीडियोस में देखो जो पढ़ा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये काम करनी है, और सबसे पहले ये सारी चीजें आपको फिक्स कर लेनी है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत ही छोटी सी बात लग रही होगी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे भी कॉमेंट्स आते हैं, मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स ले लिया, क्या सही किया है, इसका ले लिया क्या सही किया। अरे भैया, लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था सही किया है कि नहीं, मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगी। तो ये बेवकूफी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो आप पहले सारे पेपर्स को गो थ्रू कर लो, समझ लो कि आता कैसा है, उसके बाद आप सारे चीजों को अपने लिए फिक्स कर लो, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। टीचर्स, मेंटर्स, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, इन सबके अलावा आप अपने लिए स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं, जैसे कि मेरी जिस तरह की वीडियोस है, या और भी आप यूट्यूब्स में देखते होंगे, जो आपको गाइड करते हैं कि हाँ ऐसे टाइम मैनेज करना है, ऐसे मॉक टेस्ट देना है ना, इस तरह की जो वीडियोस होती है, वो भी आप एक से दो ही फॉलो करें। होता क्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि मान लो अभी एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आई, ठीक है, एक घंटे की, आपने उसको क्लिक करके पूरा एक घंटे का देख लिया। अब एक हफ्ते बाद फिर एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आई, फिर आपने क्लिक करके देख लिया। अब मान लो कोई ऐसा चैनल दिखा रहे हैं कि ये टीचर के साथ इनका झगड़ा हो गया, अब आप उसको क्लिक करके देख रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियो आ गई, आपने एग्जाम दिया भी नहीं है, लेकिन कट ऑफ प्रेडिक्शन देख रहे हो, अब जितनी कट ऑफ प्रेडिक्शन का थंबनेल आ रहा है, सब पे क्लिक कर रहे हो। टॉपर्स ये काम कभी नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखो, वो बिल्कुल आलतू फालतू की वीडियोज नहीं देखते हैं। अगर उनको मालूम है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो देखेंगे और एक से दो वीडियोस इस टॉपिक पे देखेंगे। हर वीडियोस पे क्लिक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो,
ये आपका टाइम मतलब दिन भर के 2-3 घंटे ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। इतने में आप बहुत चीजें कवर कर सकते हो। तो ये चीज मेरी याद रखो कि हर सारी वीडियोस पे क्लिक कर करके मत देखा करो और कमेंटबाजी भी मत किया करो। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग चाहते हैं कि उनकी वीडियोस पे सब कमेंट करें, लेकिन मैं सच बताऊं तो आप जो कमेंटबाजी करते हैं इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है, अब मैंने उसके डिस्क्रिप्शन पे अपने मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म का भी डाला हुआ है, अपने रूटीन डेली रूटीन का भी डाला हुआ है, जो जो मैंने यूट्यूब चैनल देखा था उसका भी डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करेंगे कि मैम कौन सा मॉक टेस्ट आपने देखा था कि दिया था बताइए। मतलब आप ऑफिसर बनने वाले हो यार, ऐसे तो गलती मत करो। मतलब जो चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही हैं उस चीज के लिए क्यों कमेंट करना, क्यों पूछना? और आप क्या सर्च करके ये चीज पता नहीं कर सकते हो? मतलब अगर आपको मान लीजिए मेरी वीडियोस लगती है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे ही चैनल पे सर्च कर लो कि क्या मॉक टेस्ट की वीडियोस अवेलेबल है। हर टॉपर ना आपको स्मार्ट दिखेंगे, वो आलतू फालतू काम करके टाइम वेस्ट नहीं करते। वो इतना दिमाग उनके पास होता है कि कहाँ टाइम लगाना है कहाँ टाइम नहीं लगाना है। अब एक ही चीज के लिए आप कॉमेंट कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, या आपको छोटी सी बात लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी बात है ये चीज। सो अब हम आते हैं इस बात पर कि हमने पेड कोर्स ले लिया लेकिन हम उसको कंप्लीट करें, कब प्रैक्टिस करें, कब रिवीजन करें, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा इस चीज के ऊपर। तो देखिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी टीचर आपको पेड कोर्स दे रहा है वो आपको नोट्स भी जरूर देता होगा, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप उन पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवा लो। इससे होगा क्या कि आपके नोट्स बनाने का जो टाइम है वो बच जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो पीडीएफ ही आपके लिए नोट्स है। अब जब आप वीडियो से देखोगे क्वेश्चंस बनाने के तरीके को, तो वहां पर अगर कभी लगे कि ये टीचर कुछ ऐसा बता रहा है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैंने अपने नोट्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको नोट्स में क्या क्या लिखना पड़ता है, तो आपको जब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लगे तो आप उन्हीं में लिख दिए, जो प्रिंट आउट आपने निकलवाया है उसके ऊपर ही आप साइड में लिख दो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात लगती है। तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में बच जाएगा। अब बात आती है कि हम इतने सारे वीडियोस कंप्लीट कैसे करें। तो आपको सारे वीडियोस नहीं देखने होते हैं। अगर उन्होंने 20 घंटे की एक चैप्टर के ऊपर में वीडियो बनाई है तो उसमें उन्होंने कंसेप्ट भी बताया होगा, आगे की फ्यूचर में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया होगा, हर तरह की चीज उन्होंने कवर करा होगा। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो उन्होंने करवाया है जहां पर, सिर्फ उन वीडियोज को देखना है और उस पर बेस्ड जो उन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन कराए होंगे उनको देखना है वीडियो से, और इनका अलग से नोट्स बनाना है अलग से कॉपी में, ठीक है। जब आप इतना देख लोगे ना तो आपके दिमाग में उस चैप्टर को करना कैसे है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है कंसेप्ट्स को, ये सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप जो प्रिंट आउट आपने निकलवाया है उससे खुद से करो, ना कि वीडियो देख करके। तो जब आप प्रिंट आउट से खुद से करोगे तो होगा क्या कि आपका दिमाग खुद ब खुद भी काम करेगा, और आप क्योंकि खुद से बना रहे हो पेन से तो आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होगी। तो आप इस तरह से पेड कोर्स को भी अच्छे से यूज कर सकते हो और खुद से प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। अगर इन केस अगर आपसे उस टाइम क्वेश्चन नहीं बनता है पीडीएफ से जो आपने नोट्स निकलवाए हैं प्रिंट आउट करके, तब जाकर के आप उसको देख सकते हो वीडियो से। यानी कि आपको पूरे की पूरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसपे 20-25 क्वेश्चन देखो, बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको जो पीडीएफ के प्रिंट आउट है उसमें से आप खुद से करो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने वीडियोस भी यूज कर ली, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली और खुद से भी क्वेश्चंस को कर लिया, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों का रहता है कि भाई हम यही करते रह जाते हैं, हम वीडियोस ही देखते रह जाते हैं, नोट्स बनाते रह जाते हैं, हम रिविजन कब करें? तो देखिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आपको बताया है और अपनी डेली रूटीन वाली वीडियो में भी बताया है कि आपको मैथ्स में एटलीस्ट 4.5 घंटे देने हैं एंड इंग्लिश में 3.5 से 4 घंटे देने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 1 घंटा अपने लिए रिवीजन के लिए बचाना ही बचाना है। मतलब मान लीजिए आप 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आपको उस दिन जो भी आपको सीखना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए है, 1 घंटा फिक्स करो कि रिवीजन ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि टाइम बचेगा तो रिवीजन करेंगे, ये नहीं होता है। रिवीजन
सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसी को कैसे स्किप कर सकते हो। और रिविजन वीकली मंथली नहीं होता है, वीकली मंथली आपका कंपाइल्ड रिविजन होता है, लेकिन रिविजन डेली बेसिस पे होता है। मतलब आपने मान लीजिए कल जो पढ़ा था उसको आप आज जरूर रिवाइज करो, तभी आज आगे बढ़ो, वरना आप खाते जाओगे पीछे का। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको एक घंटा हर एक सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स एंड इंग्लिश में एटलीस्ट एक घंटा आपको निकालना है, जिसमें कि आपको फिक्स रखना है कि मुझे रिविजन ही करना है। और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक, तो उसके बाद आप जितना भी आपने पूरे चैप्टर में क्वेश्चन करे हैं, नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला लिखा है, व्हाटएवर जो भी करा है, उस दिन आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। और उस दिन आपको उस चैप्टर का सेक्शनल मॉक भी देना है, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखोगे ना, तो आपका रिविजन भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होता रहेगा, वीडियोज भी होती रहेंगी, सिलेबस भी कम्प्लीट होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। नेक्स्ट बात जिसकी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने दिमाग में ही सोच करके आज मुझे ये पढ़ना है और आप पढ़ने लगोगे ना, तो आप उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह उठ करके ही आप लिख लिया करो कि आपको क्या क्या करना है। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। तो जब आप लिख लोगे ना तो वो आपके दिमाग में छपी रहेगी बात, हाँ ये करना है। और जैसे जैसे वो चीज होती जाए आप टिक लगाते जाओ। ये टिक मार्क जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी देता है और आपको लगेगा हाँ भाई मेरा अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा ट्रिक है कि लिख लो और उसके हिसाब से उस दिन पूरा करो। और आपको डेली रूटीन में ऐसा नहीं कि मतलब इनिशियली आप बोलो कि 100 क्वेश्चन डेली के बनाने, आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता कि हम डेली रूटीन कैसे करते हैं, कैसे हम डेली रूटीन को बनाएं, तो मेरी ये वीडियो जाकर आप जरूर देखें। इसमें मैंने बहुत बारीकी से बताया है डेट वाइज करके कि आपको कैसे एक एक दिन को यूज करना है। तो हर एक दिन में आपके रिविजन में, हर एक दिन के डेली रूटीन में रिविजन, प्रैक्टिस, लर्निंग, सिलेबस सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। कैसे करना है उसके लिए आप वो वीडियो जरूर जाकर के देखिए। नेक्स्ट चीज देखिए, जब भी आप अपनी डेली रूटीन बनाते हो ना, तो कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर दीजिए जो कि बहुत ही स्मार्टली टाइम को यूज करती हो। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि मैं जब भी लंच करती थी तब मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा करती थी। तो अब कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो खाते खाते भी पढ़ने का टाइम बता रही है, ब्रेकफास्ट और डिनर तो छोड़ दिया, सिर्फ लंच में ही तो बोल रही हूँ। तो क्या होगा ना कि आपका जो करंट अफेयर्स देखने का एक घंटे का जो टाइम है वो आपका यूज हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो आप करंट अफेयर्स के लिए राहुल मिश्रा सर या जो भी आपको लगता हो कि हाँ ये अच्छे पढ़ा रहे हैं, रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं, उनका देख सकते हो। वो पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल करके देते हैं मंथली, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाँ आप यूज कर सकते हो खाते टाइम को करंट अफेयर्स देखने के लिए, तो वैसे ही जब आप सोने जाओ ना, तो आपने जो भी दिन भर में करा है, वोकैबुलरी पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो आप सोते टाइम पे जब बेड पे जाओ तो रिकैप कर लो जल्दी से। मतलब 15 मिनट के लिए भी आप रिकैप करोगे ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अचानक से आपके दिमाग में पूरी चीजें रिवाइंड होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप नेक्स्ट डे करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में फिट रहेगी। मतलब ये ना आप बहुत छोटी छोटी सी बातें लगती है लेकिन बहुत इफेक्टिव बातें हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करो तो। सो आई होप गाइस जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आप उस चीज को फॉलो करोगे। और मेरा थोड़ा सा गुस्सा निकल गया था जो कि जायज भी था, क्योंकि लोग गलतियां ही ऐसी करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखो और स्मार्टली काम करना सीखो। जहां तहां अपने टाइम को इस टाइम पे मत यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये अगर वेस्ट हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको आगे। बार बार एक ही चीज पढ़ना, बार बार एग्जाम देना बहुत मुश्किल होता है। तो गंभीरता से लो इस चीज को। और अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2024। सो मिलते हैं हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी। तब तक के लिए जय हिंद।